20 साल से लगातार किसी बंधन में हमको लोगों ने नहीं रखा है। मैं तो जनता के बंधन में बंधा हूँ। मैंने मजबूत लोग बनाए, मजबूर नहीं बनाए है। वो किसी के गुलाम नहीं है। परिवर्तनवादी तो मैं हूँ। लोग चाहते हैं सिर्फ चुनाव के लिए काम करना। हम 365 दिन कार्यरत है, 365 दिन काम करते हैं। नमस्कार, नवी मुंबई नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी और आज ऑन द स्पॉट सीधे मगर तीखे सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महापौर सुधाकर सुनावने, जिनसे करेंगे आज हम ऑन द स्पॉट सीधे मगर तीखे सवाल। सर स्वागत है सबसे पहले आपका नवी मुंबई नेटवर्क में। सर आपसे सीधा तीखा सवाल यही है कि ये भुयारी मार को लेकर इतना राजकारण क्यों चल रहा है इधर? मुझे तो कहीं राजकारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखो कुछ ऐसी अड़चने आती है, अमानवीय होती है, उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन कुछ मानवीय होती है, उसको क्रिएट किया जाता है, और जिन्होंने क्रिएट किया उसने उसको रोक नहीं पाए, उसको लेट कर दिए, तो इसलिए जो भी राजनीति थी वो ख़त्म हो चुकी है और आज लोगों को चलने लायक हो चुका है। और आने वाले 12 तारीख को राजमाता जिजाऊ जयंती के अवसर पर उसको जनता के लिए समर्पित भी हो जाएगा। इसलिए राजनीति उसे कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। आज वो अंडरपास बन गया है, तो जीतने वाली जनता अंबेडकर नगर और भीमनगर वाली है, दोनों विभाग के लोग वहाँ से जाएंगे, तो उनकी जीत हुई है और ये जीत भी हम उनको समर्पित करते हैं। इस जीत के साथ साथ कुछ विवाद और कुछ गर्मा गर्म जो आपकी बहस आयुक्त के साथ हो या अधिकारियों के साथ हो, वो भी खुलकर दिखाई दी थी इन कुछ दिनों में, इन कुछ महीनों में। कैसे देखिए, दो चीज़ें होती है, मैंने बोला अमानवीय जो होता है और मानवीय होता है। तो मानवीय के इसमें जो सत्ता होती है कि हम देख रहे हैं कि 2 साल से हमारे कॉरपोरेशन को मतलब लोक प्रतिनिधि नहीं है जी। और सारे पावर कमिश्नर के पास है और कमिश्नर अंडर गवर्नमेंट चलते हैं, तो गवर्नमेंट जो रूल करती है, वैसे हम लोग अगर कहा जाए तो नई मुंबई की सारी जो जनता है वो अब विपक्ष में है, ऐसा कहा जाएगा। जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे उस समय, तो उसमें बाधाएं डालने का या तो ऊपर वाले लोगों को मिसकम्युनिकेशन करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, लेकिन ऊपरी लोगों को भी इसके बारे में जब पूरी तरह मालूम हुई तब जाके किसी ने भी विरोध नहीं किया। मुझे आदरणीय कमिश्नर साहब को जब हम साप्ताहिक वार्तालाप में हम जब जाते थे आदरणीय नाइक साहब के सामने, मैंने तीखे तेवर वहाँ दिखाए थे, मुझे क्योंकि जनता ये कह रही थी कि आप बाजू हट जाओ, हम इस आंदोलन को हाथ में लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से 2 साल से कोविड की सिचुएशन चल रही है, उसके दरमियान अगर किसी प्रकार का आंदोलन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता करते हैं, हमारे यहाँ के जो तरुण करते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस एक्शन हो सकता है, उनके रिकॉर्ड खराब हो सकते हैं। एक तो लोग नौकरी के लिए आज जूझ रहे हैं, वो मतलब पेट भरने की नौबत उनके ऊपर आ गई है, और इसके दरमियान जो समाज सेवक है, वो समाज सेवक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किसी के ऊपर किसी प्रकार की केस नहीं होनी चाहिए जी। जब मानव निर्मित संकट होता है तो सबसे पहली शंका आपको आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस प्रकार के केस बनाने का काम भी हो सकता है। इसलिए हमने उसको थोड़ा स्लो ले लिया और हमने लोगों को कहा कि भाई एक काम हो जाएगा, ये मानवीय संकट है, ये खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, आप मुझे किसी पार्टी का धागा बांधने को बोलिए, किसी का पट्टा बांधने के लिए बोलिए, अरे जनता है और लोक प्रतिनिधि के लिए कोई सरकार नहीं होती, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार जनता ने चुनी हुई होती है, जनता ने जनता के लिए बनाई हुई जो सरकार है उसे लोकतंत्र में लोकशाही सरकार कहते हैं। और इस लोकशाही में हम सरकार के पास भी गुहार लगा सकते हैं, लेकिन जब आपका वॉइस वहां नहीं पहुंचता है तब आपको आंदोलन के हिसाब से वो अपना एक्शन मोड में जाना पड़ता है, और उस एक्शन मोड में मैं चला गया था। जो 10 साल का काम था वो 10 मिनट में वहां पर खत्म हुआ और जीत आखिर बोलते हैं ना, सच परेशान हो सकता है पराजित नहीं होता है, इसलिए सच को परेशान होना पड़ा, 10 साल तक लगे लेकिन पराजित नहीं हुआ, उसका विजय हुआ है। आपकी बातों में एक धागे का जिक्र आया, कहीं शिव बंधन की बात तो नहीं कर रहे? अरे बंधन की बात ही छोड़िए ना, 20 साल से लगातार किसी बंधन में हमको लोगों ने नहीं रखा है। मैं तो जनता के बंधन में बंधा हूँ, और जनता कहे
कि आपको ये करना है तो वो पक्का हम करेंगे, क्योंकि मैं कोई मायने नहीं रखता हूँ यहाँ, न पार्टी, जात, धर्म, इसके आगे जाकर जनता की सेवा लगातार दो दशक तक हमने की है। यहाँ हमने कभी किसी पार्टी की, किसी जाति की, किसी धर्म की बात नहीं की, हमने विकास की बात की है। और आप देखिए नवीबे में जिस प्रकार का विकास हुआ है, हम जिक्र ये जरूर करेंगे। धागे वाली बात तो धागा ये कोई ये नहीं होता है, धागा बांधने वाले लोग भी धागे से कहाँ बंधे हैं, वो तो नाम मात्र धागा है और धंधा तो और कुछ ही होता है। इसलिए बंधन नहीं कहते उसको, नीतिमत्ता कहते, नैतिकता कहते। और नैतिकता से जुड़े हुए लोग, जब मुझे नई मुंबई में लोकतंत्र के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, दिखाई दे रहा था, उस समय मैंने आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब का उनके घर जाकर मुलाकात हमने की थी, उनका सहयोग लिया था। और सहयोग लेके तानाशाही करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोला था, उन्होंने सहयोग भी दिया था। इसलिए जनता के हित में जो जो भी है और जिनसे मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। चुनावी समय में जो 30 दिन की जो आचार संहिता होती है, उस समय आप किसी धागे की, किसी पार्टी की, किसी झंडे की बात कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र में वो बहुत मायने रखता है। लेकिन आपकी हर विकासशील कार्यों में इस प्रकार की अड़चन और विवाद आना, राजकारण होना, कहीं ना कहीं आप पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है इसी शिवबंधन को बांधने को लेकर? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ऐसी कोशिश हो सकती थी। ऐसा कोई दबाव डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्यों दबाव क्यों डालेंगे कोई। अब मेरे मन में मुझे अच्छा लगा कि मैं जानना चाहता हूँ तो जाऊँगा। मैं किसी का बंधा नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, जिसके मन में सत्ता की लालच हो वो कहीं भी जा सकता है। मेरे मन में ना सत्ता की लालच थी, ना है, ना रहेगी। महत्वाकांक्षा जिसके पास है, मुझे मेयर के बाद में आमदार बनना है, मंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे पैसा बटोरना है, मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। जीवन मुझे दिया है भगवान ने, उसको निश्चित रूप से लोगों के हित में व्यतीत करना है और मैं करता हूँ। अब देखिए कि जैसे हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोकहित बहुत ज़्यादा होता है और सोहित कम होता है। इसलिए लोकहित के काम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है। और इतनी बड़ी जमीन जो है स्कूल के बीच में, आप देख रहे 4 एकड़ की भूखंड है, इसमें अगर बेचा जाता तो करोड़ों रुपए मिल जाते झोपड़े बना के। लेकिन ये कई दशकों तक यहाँ पर ये पीढ़ियाँ बनती रहेगी और वो पीढ़ियों में हजारों बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुधरेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण खराब होता दिखाई दे रहा था, उजाड़ और बंजर जो जमीन थी पहाड़ की, जो आज फॉरेस्ट के पास है, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, एक भी पेड़ नहीं था, आज हजारों के तादाद में वहां पर पेड़ है। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, झोपड़े डालो तो मिलजुल के सब बांट के खाएंगे, तो मिलजुल के बांट के खाने वाली जो बात है उस चीज पर निश्चित रूप से तकलीफ तो होती है, क्योंकि वहां काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो वो दिखेगा नहीं तो होगा ही। और इस प्रकार की राजनीति होती है, लोग बहुत समझदार है मेरे वार्ड के। जैसे मैं कहता हूँ कि अंडरपास के बारे में लोगों को ये कहा जाता था कि 200 लोगों के घर तोड़े जाएंगे, जबकि 2 लोगों की पायरी तक नहीं हमने तोड़ी, क्योंकि ये हम देख रहे थे कि हमको जो रॉन्ग साइड से जाना पड़ता था वो रॉन्ग साइड के बजाय हम मतलब सही और पहुंचे, ऐसा घूम फिर के जाने के बजाय सीधे हम सेक्टर 5 आयुर्वेद जा सकते हैं। इसलिए लोग भी जानते हैं, लोगों को भड़काने का काम बहुत किया था, लेकिन लोग भड़के नहीं, लोग जानते थे ये जो हमारा मामा है, सुधाकर मामा है, ये हमारे अहित का काम होने नहीं देगा। भुयारी मार्ग के बगल में शौचालय है, उसकी भूखंड को लेकर भी आप MIDC से बेहद खफा चल रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए कि 2 चीजें है, MIDC और कारपोरेशन दोनों के साथ भी मैं खफा हूँ। इसका कारण ये है कि जब आदरणीय नाइक साहब पालक मंत्री थे, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, और हाई पावर कमेटी इसलिए गठित की गई थी क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी भूमि है, इस सारी की सारी भूमि 2 मालिक है, एक सिडको है और एक MIDC है, और उनके ऊपर मेंटेन करने वाली, इस लोगों को लोकतंत्र से चलाने वाली तीसरी जो है कॉरपोरेशन है, ये तीनों में समन्वय होना चाहिए। और तीनों मिलकर अगर वहाँ अंडरपास बन रहा है तो उसके बीच क्या क्या आएगा, वो शौचालय टूटेगा तो उसके बनाने की जगह निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ नया पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो पाइपलाइन के टाइम जो खुदाई होगा उसके इलेक्ट्रिक वाला कोई है क्या, MIDC वाला कोई है क्या, उनको पूछना चाहिए। यानी कि बार बार जो खुदाई करने वाला काम है वो ना हो,
इसलिए खपा मैं इससे हूँ क्योंकि आपको जो भी बड़ा प्रोजेक्ट चालू करना है तो बड़े प्रोजेक्ट के पहले हमको वहां पर एक, क्योंकि प्लान सिटी है 21st सेंचुरी की, ये प्लान सिटी है, इस प्लान को अनप्लान डेवलपमेंट के तरफ लेके नहीं जाना चाहिए। और इसलिए मैं बहुत खपा हूँ क्योंकि भूखंड भी बेचनी है आपको, आपकी जमीन है आप बेच सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी बेचो, उसके लिए भी कुछ पैरामीटर निश्चित होने चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए किसी ना किसी से। MIDC को डेवलपमेंट करना चाहिए तो कॉर्पोरेशन के लोगों के साथ बैठ के कि हम इस प्रकार से ला रहे तो वो रास्ते पर कितना उसका असर होगा, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर होगा, ये सारी बातें अगर हम मिलजुल कर करेंगे, हाई पावर कमेटी अगर उस प्रकार से काम करेगी तो ये नौबत नहीं आएगी, यही मैं कहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं, ये तो लोक हित में। जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, करने में दिक्कत क्या है? आपके यहाँ के नेता हैं और सब यहाँ के विधायक भी BJP के हैं, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नहीं देखिए, दो चीजें होती है ना कि हाई पावर कमेटी उस समय बनी थी, वो आज है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के तारीख में मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से MIDC क्षेत्र में अनप्लान डेवलपमेंट दिखाई दे रही है वो भविष्य के लिए बहुत घातक है, और घातक इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग आज मुझे बताइए ना कि 5-6 लाख में PAP का भूखंड मिल जाता है, वो बेचारे PAP को 1 लाख या 2 लाख मिल जाते हैं लेकिन वो भूखंड 1.5-2 करोड़ में बिकता है, तो ये बीच में का जो मलिदा है, बीच में की जो मलाई है, वो कौन खाता है? अगर हम यही कहते हैं कि हाई पावर कमेटी अगर ये भी सोचे कि नवंबर में कितने PAP है, कितने भूमिहीन क्षेत्र मजदूर है, अगर इन लोगों को, अगर आपका एक प्लॉट 1.5 करोड़ में बिकता है तो मैं ये कहता हूं कि किसी बैंक को वो प्लॉट दीजिए और वो PAP के नाम पर वहां पर बिल्डिंग बनाइए, कम से कम वो चला नहीं पाएगा तो भाड़ा लेके तो जिंदगी भर जिएगा, उसका लड़का, उसका नाती पोती वो खाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट सरकार को लाना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधियों को इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन ये होता दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत मतलब कहने के लिए मतलब शर्मनाक बात है ये कि हम कभी कभी बैंक को इसको उसको बदनाम करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आप अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो सारे नोड में आपको लॉज ही लॉज दिखाई देंगे। तो ये लॉजिंग का शहर है क्या नवी मुंबई? ये MIDC में सारे लॉजिंग्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये बहुत ही घातक है भविष्य के लिए और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के बारे में अगर बात करें, आपके कार्यकाल में लोकार्पण हुआ, महत्वपूर्ण कार्यों की नींव रखी गई, बावजूद इसके आपने इसके निर्माण कार्य के दौरान जो जांच समिति या जांच करने की मांग की थी, लेकिन फिर भी ये मसला राजकारण के इर्द गिर्द घूमता रहा, लोकार्पण को लेकर विवाद होता रहा, क्या कहना चाहेंगे, किसकी नजर लगी है इस स्मारक को? देखिए अर्चना जी, दो चीजें है कि मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक एक अलग चीज है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की जो ये है वो वहां पर मतलब बनने जा रही है जी। और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो अम्बेडकरी अनुयायी है उनको बहकाया जाता है, उनको फुसलाया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी के स्मारक का जो उद्घाटन पहली बार आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के हाथों हुआ था, दूसरी बार जब आदरणीय पालक मंत्री महोदय और ऑनलाइन में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से हुआ, मुझे उसके बारे में ना मेरा कोई विरोध था ना मैंने कोई विरोध किया, मैंने यही कहा कि 2 महीना रुकेंगे तो आपको उद्घाटन करना है, लेकिन जैसे कि लोकार्पण आपने किया है वहां पर विपश्यना केंद्र है और ऊपर टाइल्स लगाने का काम चल रहा है, और सेफ्टी मेजर के हिसाब से अगर आप देखो तो जो बिल्डिंग 45 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग उसमें काम चल रहा है तो वहां किसी को अंदर जाना वो निषेध रहता है, वहां आपको जाने नहीं दिया जाता है, तो लोकार्पण किस बात का हुआ? और जिस लाइब्रेरी में आप जाने की बात करते हो, विकास काम चल रहा है, क्या आप कॉन्सेंट्रेटली वहां पर काम कर सकते हो, क्या पढ़ाई कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? सिर्फ भावनाओं के साथ खेलना ये गलत है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है ये मैं कहता हूँ। कौन खेल रहा है सर, खिलवाड़? देखिए दो चीजें है कि जो ये विचारधारा की लड़ाई है ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ पर एक अंबेडकरवाद है और दूसरा ये धनिकवाद है। अंबेडकरवाद लोगों को ताकत देता है और ताकत में इतनी शक्ति होती है, किसी वो ये नहीं देखता किस जाति के, किस धर्म के, किस प्रांत के, किस भाषा के। बाबा साहब के विचार जो है आम आदमी को सत्ता के उस
ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और वो करने के लिए अगर आपको कहीं जरूरत है तो बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब ये है कि आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को जब लंदन जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा, जब भी बाबा साहब गए तो पैसे की बहुत किल्लत थी उस समय। शाहूजी महाराज हो गए, आदरणीय सयाजीराव गायकवाड़ राजा हो, महाराजा होंगे, इन्होंने मदद की, और उनकी सुविद्ध पत्नी जो हमारी मातोश्री है रमाई, उन्होंने तो इतना मतलब जीवन जो कहते हैं कि संघर्षमय जीवन जिया है। वो संघर्ष लोगों के पास नहीं जाता है, सिर्फ बाबा साहब ने ये किया वो किया कहने वाले लोग जो है वो अगर करके देखे तो मैं कहता हूँ आपको वहाँ लाखों रुपए खर्च करके भी जो पढ़ने को नहीं मिलेगा वो साहित्य वहाँ मिलेगा। हमने तो ये कहा था कि वहाँ उस लाइब्रेरी में बाबा साहब के समतुल्य लिखान जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है वो भी लोगों को अभ्यास के लिए वहाँ पर रखा जाए कि उसमें से पूरा वर्ल्ड कैसे चलता है, बाबा साहब ने इस पूरे विश्व को कैसे देखा था, उस चीज को महत्व देना चाहिए। ये विचारों की लड़ाई है। कुछ लोग अगर कहेंगे बिल्डिंग रुकी है, 2-5% के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनकी औकात भी नहीं है, ये विचारों की लड़ाई बहुत ऊपर से लड़ी जाती है, और वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये विचारों की लड़ाई किसी एक आदमी की तरफ उंगली करने से सामने नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं आपके वार्ड की तरफ। सुना है यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे लोग ललायत है, नए नए विकास की बात कर रहे हैं, इस वार्ड पर सबकी नजर टिकी हुई है, विरोधक भी बहुत एक्टिव हो गए हैं आपके वार्ड में, परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दो चीज होते हैं, परिवर्तन का अर्थ अगर वो जिस प्रकार से सोच रहे उसे अगर वो परिवर्तन कहते हैं तो नहीं, क्योंकि मैं मेरा जीवन जो है सारा जीवन मैंने व्यतीत किया है अम्बेडकरी विचारों के साथ, और यहाँ जो परिवर्तन है वो सृष्टि का नियम है, और हमारा ब्रीद वाक्य भी है परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। हम लोगों के जीवन में समृद्धि लाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम इसका परिवर्तन करें, यानी कि इस क्षेत्र से सुधाकर सोनोने को हटा के किसी और को हम यहाँ, अगर ये मैंने जैसे कहा कि विचारों की लड़ाई है, और ये विचारों की लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ता है, ये वार्ड के सारे लोग, नगर सेवक सिम्बॉलिक में हूँ लेकिन हर घर का आदमी नगर सेवक है यहाँ का। इसलिए परिवर्तन, आप अगर वार को यहाँ से काटने से वहाँ से काटने से अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो वो उनकी भूल है, वो उनकी गलत फहमी है। हाँ, आदमी को वैसे तो बाबा साहब ने इस देश की राज्य घटना लिखी है, बाबा साहब को 2 चुनावी जो हार है वो स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी में सबसे अधिक जो देश के हित में काम हुआ है वो बाबा साहब के कारण हुआ है, दूसरा कोई कर नहीं पाया। और इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लोग चाहते हैं सिर्फ चुनाव के लिए काम करना, हम 365 दिन कार्यरत है, 365 दिन काम करते हैं। इसलिए विरोधों की जो परिवर्तन की जो परिभाषा है वो मुझे मालूम नहीं किस प्रकार का परिवर्तन वो चाहते, लेकिन परिवर्तनवादी तो मैं हूँ, परिवर्तन के दिशा में जाने वाला मैं हूँ, इसलिए परिवर्तन स्वीकार करता हूँ, परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर। और हम निश्चित रूप से, हमने देखा है कि उजाड़ जंगल से हमने घने जंगल तक जो सफर किया है वो भी परिवर्तन है, और जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर जो नाला था, गटर थी, इसमें बहुत अच्छा गार्डन बना के इसको भी परिवर्तित किया है, यानी कि परिवर्तन स्वीकार करने वाला आदमी हूँ मैं। पराभव और विजय ये दोनों जो चीजें है ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। यानी कि आपका इस वार्ड में जो डंका बजता है, आपके नाम का डंका बजता है, परिवर्तन का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो क्या आपको लगता है क्या इतना इजीली आपको डिफीट किया जा सकता है इस वार्ड से? अगर ये इतना आसान होता तो मैं जिस प्रकार से सोच रहा हूँ, मैंने तो एक बार भी म्यूनिसिपल कमिश्नर को या टीपीओ को किसी को फोन करके तक नहीं पूछा कि मेरे वार्ड को किस प्रकार से काटा जा रहा है, ये काटा जा रहा है। कई लोग सपने देखते हैं कि बोलते हैं वार्ड को यहाँ से काटा है, अब यहाँ का नगर सेवक मैं बनूंगा, वहाँ का नगर सेवक मैं बनूंगा। अरे आपको नगर सेवक बनने से कौन रोकता है, लेकिन नगर सेवक क्यों बनना चाहते हो ये तो पूछेंगे लोग, क्योंकि मेरे यहाँ के लोग जो है मैंने मजबूत लोग बनाए, मजबूर नहीं बनाए हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है, हमने यहाँ शिक्षित लोगों को बनाया है, सुसंस्कृत बनाया है, और इसलिए वो जरूर पूछेंगे कि भाई हाँ आपको किस चीज की कमी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहाँ पर
किसी का नल लगाने पे पैसा नहीं लगता है, किसी को टैक्स पावती बनाने में पैसा नहीं लगता है, किसी का घर दुरुस्त करने में पैसा नहीं लगता है। आप ऐसा क्या दोगे यहाँ आने के बाद जो सुधाकर सोनोने को या उनके विचारों को परिवर्तित यहाँ पर करना चाहिए? सर ये जाना चाहेंगे जो बात होती है परिवर्तन की, राजकीय परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, किस परिवर्तन की यहाँ पे चर्चा हो रही है, बात हो रही है, और जो विरोधकों के परिवर्तन की बात है क्या वो यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे? नहीं, देखिए जो छल कपट से परिवर्तन कोई करना चाहता है, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद में लोगों को उनके हक में काम करने वाले लोक प्रतिनिधि को चुनने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर वो छल कपट से कोई अगर छीनना चाहता है तो यहाँ की जनता इतनी भी मतलब ये मूर्ख नहीं है कि आपके छल कपट को समझ नहीं पाएगी। अगर छल कपट से आप यहाँ परिवर्तन करना चाहते हो तो हम तो जमीन से जुड़े हुए, हम जमीन पर रहेंगे, आप जिस ऊंचाई पे, उस जिस ऊंचाई पे हम आपको जीने नहीं देंगे। आपका राजनीति हम वहीं पर खत्म कर देंगे कि जिस राजनीति के लिए आप इस प्रकार का परिवर्तन चाहते हो, छल कपट वाला। हम छल कपट नहीं करते और छल कपट सहेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा वृद्ध वाक्य वो भी है, बाबा साहब कहते हैं जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। इसलिए हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम गुनहगार नहीं बनेंगे, लेकिन जिस गुनहगारी और छल कपट से आपने जो धन संपदा जमा की है उसको हम उपभोगने भी नहीं देंगे आपको। किसकी तरफ इशारा है आपको? हमारा इशारा आप समझ जाइए, जो भी यहाँ इस प्रकार की कोशिश कर रहा है उस तक ये बात पहुंच जाए और वो समझ जाए कि किस प्रकार का, और जिसने भी ये इकट्ठा किया या जो कुछ छलकपट करना चाहता है उसके लिए इतना काफ़ी है, वो समझदार भी है। और आप समझना चाहते हो तो समझ लीजिए, नहीं समझते हैं तो समाज पूरा समझा देगा आपको। सर ये बताइए कि आप झोपड़पट्टी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आसपास के क्षेत्रों में जो झोपड़पट्टी इलाका है वहाँ पर SRA योजना लागू करने को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, मगर आपका वार्ड है जहाँ पर SRA के मामले में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे? अब तुम सही सवाल की तरफ आई हो अर्चना, यानी कि मेरे यहाँ परिवर्तन किस चीज का चाहिए? क्योंकि अगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू करते हैं तो उससे आम जनता को फायदा नहीं होगा, नेता को फायदा होगा। और इतने सारे जमीन के ऊपर जो लोग सुख की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं वो जिंदगी उनको नहीं चाहिए। आसपास के झोपड़पट्टी में जाके देखिए, ना खेलकूद का मैदान है, ना गार्डन है, ना स्कूल है, ना दवाखाना है, और जो है भी तो सिर्फ नाम के लिए है और किसी प्रकार का एक्टिव नहीं है। वो यही चाहते है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में सुधाकर सोनोने और उसके विचारों के लोग वहाँ बाधा डाल सकते हैं, इसलिए हमें परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने तो कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया है, हमने हमेशा कहा है आपको ये जगह अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो निश्चित रूप से पुनर्वसन होना चाहिए। लेकिन आप किसी एक निजी आदमी को, जो 2 आदमी को भी यहाँ पर नौकरी नहीं दे पाता है, उसको अगर झोपड़ा खाली करके वो अगर कारखाने के लिए जगह दोगे तो ये गलत है। तो हम भी उतना पैसा मार्केट रेट से पैसा देने को तैयार है। हमारे यहाँ जो झोपड़पट्टी में रहते हैं सारे के सारे लोग, उसने जितने भूमि यहाँ कब्जा किए वो सारे भूमि का पैसा वो दे सकते हैं। आप भूमि उनके नाम पे कीजिए, आपके हिसाब से हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे ये आपकी जिम्मेवारी, शासन की जिम्मेवारी, अन्न वस्त्र निवारा। यहाँ पर आप फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, रहने के लिए जगह है, कहाँ रहेंगे लोग? आप इधर अभी IT सेल पूरा लगा रहे हो, उनको 1,00,000 रुपये का पगार है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ जितने भी छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले आदमी को 5,000, 6,000, 7,000 पगार मिलता है। नई मुंबई में 20,000 से अधिक मतलब भाड़ा है। तो ऐसे जगह में आप कैसे करोगे, किस प्रकार की योजना लाना चाहते हो? और जो विकास आप कहते हो कि इसमें बाधा उसमें बाधा, लोगों को तो बहुत मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, लोगों को चित्र दिखाया जाता है कि 25 माले का टावर बनेगा, 40 माले का टावर बनेगा। अरे उस टावर में ये जनता उसको मेंटेन कर पाएगी, वहाँ रह पाएगी? अंधेरी में जाके देखिए जो पुनर्वसन टावर है वहाँ की क्या, किस जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं लोग। यहाँ तो कम से कम जो अपने खुद के घर में अच्छा बाल बच्चों को संभालने का काम करते हैं, क्या चाहिए लोगों को? शिक्षा चाहिए, आरोग्य चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ मिल रहा है। तो परिवर्तन जो है इनको उनके दिमाग में है कि यहाँ पुनर्वसन योजना को लागू करने में दिक्कत आएगी, जब तक सुधाकर सोनोने रहेगा तब तक। तो सुधाकर सोनोने इन मंसूबों को कामयाब होने देंगे? सुधाकर सोनोने अकेला नहीं है ना,
सुधाकर सोनो ने इन 40,000 लोगों में ठूस ठूस के भरा हुआ है, एक सुधाकर सोनो ने देगा तो ये 40,000 लोग है ना, ये सारे मैंने क्या कहा है कि मैंने यहाँ मजबूत समाज बनाया है, मैंने मजबूर समाज नहीं बनाया, मैंने कभी एक किसी जाति का, धर्म का, पार्टी का नहीं देखा है और किसी प्रांत का, किसी भाषा का नहीं देखा है, यहाँ रहने वाला हर आदमी एक समान है, एक समाज का है, ये मैं हमेशा कहते आया हूँ और आज भी कहता हूँ। इस रबाले को बचाने के लिए सुधाकर सोनावले जी आप क्या करेंगे? मैं हर्डल्स कैसे हो सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे रबाले में अभी यहाँ के 19-20 वार्ड की सारी जनता आप पर आश्रित है, यहाँ पे जो विकास की बात करें, एनवायरमेंट से लेकर, शिक्षा से लेकर, हर जगह आपने हमेशा यहाँ की विकास की तरफ कदम बढ़ाया है, मगर ये जो परिवर्तन, ये जो बदलने की जो राजनीति जो चल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे यहाँ के क्षेत्र का विकास पूरा रुक जाएगा? और जो बना बनाया दशकों की आपकी ये जो वार्ड को जिस प्रकार से आपने रचा है, वो सपना आपका साकार नहीं हो पाएगा? हडल साहब जो समझते हो ना, अगर मेरे जैसे आदमी को आप हडल समझते हो, रुकावट समझते हो विकास कार्य में, तो वो लोकतंत्र वाले लोग ही नहीं हो सकते, वो लोकतंत्र के विरोध वाले लोग होंगे। ऐसी किस चीज के यहाँ पर आप ये करना चाहते हो कि जहाँ मैं विरोध कर रहा हूँ, मैंने किस चीज का विरोध किया है? अरे मैंने कहा कि भाई यहाँ पर लोगों को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए स्कूल होने चाहिए, लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिलने के पेड़ लगने चाहिए, खेल कूद के लिए मैदान होना चाहिए, और हमारी जो माता बहनें हैं उनको टहलने के लिए वहाँ पर गार्डन होना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन होना चाहिए। अगर ये विकास काम अगर आपको हडल्स लग रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में, क्योंकि वो पार्टी लोकतंत्र वाली नहीं होगी जो मेरे इस विचारों को विरोध करेगी। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर महापौर तक का भी सफर आपने तय किया है, आज लोगों के दिलों में सुधाकर सोनावले का राज है, क्या कहेंगे जनता से इस बॉन्डिंग और इस रिश्ते को लेकर? देखिए मैं महापौर भी जब बना तब भी वही सुधाकर सोनो ने था, महापौर नहीं हूँ तब भी वही सुधाकर सोनो ने हूँ, और मैं जीवित रहूँगा तब तक इस क्षेत्र के लोगों के विकास के साथ और एकता के साथ जुड़ा है, जुड़ा रहूँगा, इसमें किसी भी चीज़ का मतलब रुकावट नहीं होने दूंगा, और लोग कुछ भी कहे लेकिन प्रभाग क्रमांक 19 और 20 की जो जनता है, ये जनता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कल थी, आज है और कल भी रहेगी। विकास के दृष्टिकोण से क्या आपकी योजना है भविष्य को लेकर? देखिए विकास का मतलब मैंने कहा ना, विकास किस चीज को कहते हैं आप? अगर किसी जगह में अगर झोपड़ा तोड़ के 20 माले की बिल्डिंग बनाओगे तो विकास होगा क्या? विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब ये है कि उस शहर को लोगों के रहने योग्य हो जाए। दुबई का भी बहुत बड़ा विकास हुआ है, लेकिन दुबई में जो काम करने वाले लोग हैं वो शारजा में जाके रहते हैं, क्योंकि दुबई रहने के लिए लोगों को परवड़ती नहीं है। क्या नई मुंबई को आप उस प्रकार बनाना चाहते हो, वो विकास करना चाहते हो? लोग आके यहाँ काम करें, आपका झाड़ू पोछा करे, आपकी गाड़ी चलाए, आपका खाना बनाए, आपका किचन संभाले, आपके बच्चे संभाले, और रहने के लिए वो मतलब कल्याण डुम्बोली के आगे या अपने कर्जत कसारा वो साइड में चले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं क्या? इसको डेवलपमेंट कहते हैं क्या? डेवलपमेंट वही है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट दुबई का हुआ है, जाके देखिए ना, कोई जो भी रहने वाला है वो रहता शारजा में है, वैसे हम लोग यहाँ काम करेंगे और रहने को जाएंगे हम कसारा कर्जत। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके यहाँ के स्पॉट को देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है यहाँ लोगों को म्यूनसिपैलिटी का काम है जन्म से लेकर मृत्यु तक का ख्याल रखना, उसको मेंटेन करना, जन्म के बाद उसकी नोंद रखना, जन्म के बाद उसको शिक्षा के लिए उपाय योजना करना, और उसके बाद में उसको वाटर गटर मीटर यानी कि उसके रहने लोग स्वच्छता रखना, पानी का आपूर्ति करना, शौचालय के लाइन का ये करना, ये सारी चीज़ें, और मृत्यु तक अंतिम जो है वो मृत्यु है। आज हमारे यहाँ जो बहुत दिन से एमआईडीसी साथ लड़ाई चल रही थी स्मशान भूमि के लिए, और स्मशान भूमि का भूखंड मिला है, उसका टेंडर भी हुआ है, तो वो एक अच्छा काम यहाँ पर है, भविष्य में वो आ जाएगा। पानी की आपूर्ति के लिए जो कुछ मतलब छोटी मोटी आज दिक्कतें थी, उसमें जब पानी चला जाता है तो हमने इस बोरवेल के माध्यम से आप आम आदमी को जो यूज़ करने के लिए यानी कि बर्तन के लिए, धो कपड़ा धोने के लिए, लादी पोछने के लिए जो पानी चाहिए
वो घर घर तक देने का काम किया है। पीने का पानी का जो थोड़ा आपूर्ति है वो करने के लिए नया पानी का टंकी जो बनाया जाएगा वो है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट है। और स्कूल को मेंटेन करना, कॉलेज को शुरू करना, कॉलेज की मंजूरी तो यहाँ पर दी है लेकिन लॉकडाउन के दरमियान उसको शुरू नहीं कर पाए। और ये कॉलेज अगर शुरू हो जाएगा इन कष्टकारियों के बस्ती में तो उनको इतना फायदा होगा। क्योंकि मैं कहता हूँ, जब मैं चुनाव जीता था 1600 से अधिक बच्चे हमारे क्षेत्र में शाला बाह्य जो थे वो दिखाई दिए थे, आज एक भी बच्चा नहीं है। और कम से कम 10वीं तक तो बच्चे पढ़ते हैं और 11वीं 12वीं अगर शुरू हो जाती है तो यहाँ हमारी जो लड़कियाँ हैं खास करके उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, घर के नज़दीक और अच्छी पढ़ाई मिलेगी। तो ये प्रोजेक्ट हमारे भविष्य के है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे के हम काम करते हैं। आखिरी सवाल, सुधाकर सोनावने की परिभाषा क्या कहेंगे? देखिए, कोई परिभाषा नहीं होती है, आदमी का जीवन उसकी परिभाषा होती है। आदमी जो हमारे मराठे में कहावत है, जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, यानी कि जो आदमी जन्म से भगवान ने कुछ को कुछ दिया है तो मरने तक उसके साथ ही जाएगा। हमें लोकतंत्र के हिसाब से ये सारी काम करने की आदत लगी है, उस आदत को कोई ये नहीं कर सकता है। शिक्षा के बारे में अभी देखिए, कुछ लोग जाते हैं हमारे यहाँ गटर बनानी है, हमारे यहाँ बनानी है, लेकिन मैं जब भी माननीय आयुक्त महोदय से वार्तालाप करता हूँ, जब मिलता हूँ, तो मैंने आरोग्य और शिक्षा के बजाय दूसरा कभी कुछ नहीं किया। तो यही है, इसको मेंटेन करना है, इसको आगे लेके जाना है। जो लोग इसके ऊपर मतलब नजरें गाड़े हुए हैं कि जैसे ये हटे और हम इसको दबोच ले, तो इस बस्ती के ऊपर, इस बस्ती के जमीन के ऊपर जिन लोगों का ध्यान है, उस लोगों को इस बुरी नज़र वालों से मतलब बस्ती के लोगों को बचाना, ये हमारी सबसे बड़ी यानी कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो कहते हैं परिभाषा वो होगी। बुरी नज़र से लोगों को बचाना है, इस वार्ड को बचाना है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद थे पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने। फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार।